उस मामले में अंतिम बहस प्रोसिक्यूशन की शुरू हुई है और उसमें प्रोसिक्यूशन द्वारा बहस की गई जो कि कंटिन्यू है और परसों इस मामले में तारीख लगी है प्रोसिक्यूशन की बहस के लिए। आज भी बहस हुई है और कंटिन्यू जारी रहेगी बहस। आजम खान और उनके करीबियों पर अदालत में प्रोसिक्यूशन ने शुरू की अंतिम बहस। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान और उनके करीबी तत्कालीन पुलिस उपाध्यक्ष नगर रामपुर आले हसन खान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान सहित आजम खान के आधा दर्जन करीबियों पर मारपीट, गाली गलौच और घर में घुसकर लूटपाट करने जैसे बेहद गंभीर आरोपों में दर्ज मुकदमे की सुनवाई रामपुर की MPML विशेष अदालत में बेहद तेजी से चल रही है। इस सुनवाई में प्रोसिक्यूशन में अंतिम सुनवाई शुरू कर दी है। इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 28 फरवरी नियत की गई है। हाँ, आज आजम खान से संबंधित जो डूंगरपुर के मैटर हैं उनमें एक मैटर था 508/19 क्राइम नंबर जो थानागंज में पंजीकृत हुआ था। उस मामले में अंतिम बहस प्रोसिक्यूशन की शुरू हुई है और उसमें प्रोसिक्यूशन द्वारा बहस की गई जो कि कंटिन्यू है और परसों इस मामले में तारीख लगी है प्रोसिक्यूशन की बहस के लिए। आज भी बहस हुई है और कंटिन्यू जारी रहेगी बहस। कौन कौन लोग आरोपी हैं इसमें? जो आरोपी हैं एक तो मोहम्मद आजम खान है, आले हसन है, अजहर खां हैं और जिब्रान नासिर हैं, उमेंद्र चौहान हैं और फरमान हैं। इतने लोग नामजद रहे थे इस मैटर में। इस मामले के जो वादी हैं एहतसाम हैं। इनके द्वारा एक FIR दर्ज करवाई गई थी थानागंज पर कि इनके घर में घुसकर उपरोक्त मुलजमान द्वारा मारपीट की गई, गाली गलौज की गई, इनके घर का सामान लूट कर ले जाया गया और इनके घर को तोड़ दिया गया। परसों की तारीख लगी हुई है जिसमें अभी अभियोजन की बहस आज शुरू हो चुकी है और कंटिन्यू बहस है और परसों की तारीख में सुनवाई पे लगी हुई है ये।